हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शीशाओ को देखते हैं। वो घर में उल्टे सीधे काम करके पूरे घर के हालत को खराब कर देता है। वहीं काम करते समय उसे रिंग से पता चलता है कि उसके मॉम और उसके डैड एक ही जगह में हैं। तब वो दौड़ते हुए स्कूल जाता है और वो कैसे भी करके जाओयंग को वहाँ से भेजता है, क्योंकि जाओयंग ही उसके फ्यूचर डैड थे। वहीं जब शीवी को शीशाओ दिखता है तब वो शीशाओ से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं गर्ड उसे अंदर भी जाने नहीं दे रहे होते हैं। तब वो शीवी से कहता है, मैं तुम्हारा कज़न हूँ ना? तो शीवी कहती है, हाँ ये मेरा कज़न है। तब वो पूछती है, तुम्हें क्या काम है, जल्दी बोलो। तब वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हें ब्लेसिंग देने आया हूँ। और वो उसे ब्लेसिंग देता है। वहीं जब शीवी घर आती है तब वो देखती है उसकी पूरी घर की हालत खराब हुई होती है और वो ये सब देखकर शीशा पर चिल्लाती है। लेकिन वहाँ शीशा नहीं, उसके डैड बैठे होते हैं। तब उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं, तुमने घर का क्या हालत बना कर रखा है? और वो कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना कॉल किया लेकिन तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था, और तुम कहाँ थे? अब चलो हमारे साथ डिनर करने। वहीं शीवी सोचती है, शीशा घर पर ना आ जाए, अगर वो घर पर आ गया तो मैं अपने डैड से क्या कहूँगी? तब वो अपने डैड से जल्दी जल्दी कहती है, चलो हम डिनर करने जाते हैं। तभी वहाँ शीशा आ जाता है। तब उसके डैड पूछते हैं, ये लड़का कौन है? तब शीशा कहता है, मैं इसका ट्यूटर हूँ, मैं यहाँ इसे क्लास देने आया हूँ। तब शीवी कहती है, आज तो मैं बाहर जा रही हूँ, सो क्लास दूसरे दिन ले लेंगे। उसके बाद शीशा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने डैड के साथ डिनर करने जाती है। वहाँ उसकी ग्रैंडमॉम भी होती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहीं उसकी दादी उसे पूछती है, तुम आगे क्या करोगे? तब उसके डैड कहते हैं, वैसे भी ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसे अब्रॉड भेज दूँगा और इसकी शादी कर दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ स्कूल ऑफ होने के बाद लोशा स्कूल के पीछे से जा रहा होता है। तभी उसे शीवी देख लेती है और वो उसके पीछे जाती है। वही वो एक जगह पर जाकर एक्सपेरिमेंट करता है। तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर शीवी उसके पास दौड़कर आती है और उसे हग करती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहीं जब वो दोनों खड़े होते हैं तभी वहाँ छोटा सा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शीशा दौड़ते हुए आता है और वो लूशा उसे कहता है, शीवी कहाँ है? और वो दूसरे पेशेंट को शीवी समझकर रोने लगता है। तभी वो देखता है शीवी तो बिल्कुल ठीक थी और ब्लास्ट में किसी और को चोट लगी थी। तब वो शीवी को ठीक देखकर बहुत खुश होता है। तभी वो वहाँ एक नर्स से मिलता है जो शीवी की बेस्ट फ्रेंड थी और इसका नाम शूलिंग था। उसे देखकर शीशा को फ्यूचर का एक सीन याद आता है, जहाँ शूलिंग उसे बहुत खाना खिलाया करती थी और वो पहले बहुत मोटी थी। ये याद करके वो शूलिंग से कहता है, तुम अभी कितनी पतली हो, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। तब शिवलिंग उसे पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? तब शीशा कहता है, मैं शिवी का कज़न हूँ और इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ शीशा शिवी को लूशा को इम्प्रेस करने का तरीका बताता है और वो कहता है, आपको लूशा को अपनी एग्जिस्टिंग फीलिंग करानी होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शिवी स्कूल जाकर वो लूशा का गेट पर वेट कर रही होती है। वहीं जब लूशा वहाँ आता है तब वो उसे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक साथ ही स्कूल पहुँचे हैं। तब लूशा कहता है, यहाँ से क्लास पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम लेट हो जाओगी। उसके बाद शीवी लंच टाइम पर उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक ही समय पर खाना खाने आए हैं। तब लूशा उसका एक बाल उठाकर कहता है, हेयरफॉल होना एक इलनेस है। वहीं उसके बाद वो वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और जब लूशा वॉशरूम से बाहर आता है तब वो फिर से लूशा उसे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक साथ ही। और वो कुछ आगे बोलती तब लूशा कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम ही एक लड़की हो जो बॉयज़ वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई हो।
उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिवी शीशा का फेस देख रही होती है और वो सोचती है इसका फेस मुझसे मिलता है लेकिन लोशा से बिल्कुल नहीं मिलता है और वो शीशा से कहती है क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना कि लोशा मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। तब शीशा कहता है मैं इतना मेहनत करके फ्यूचर से पास में आया हूँ, क्या आपसे झूठ बोलने आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शिवी को डायरेक्टर के पास देखते हैं जहाँ डायरेक्टर उसे डांट कर कहते हैं तुम्हारा ग्रेड कितना कम है और वो शिवी से उसके पेरेंट्स को कल पीटीएम में लाने को कहते हैं। तभी वहाँ लूशाव आता है और वो लूशाव से कहते हैं तुम्हारा ग्रेड बहुत अच्छा है, कुछ दिन बाद कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तुम उसमें भी अच्छा करना और तुम शिवी को उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करो। नेक्स्ट डे जब शिवी लूशाव से क्वेश्चन पूछने आती है तब लूशा क्वेश्चन देखे बिना उसका आंसर बता देता है। तब शिवी कहती है बिना क्वेश्चन सुने ही तुमने आंसर कैसे बताया। तब लूशाव कहता है मुझे पता था कि तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आता होगा। उसके बाद एक दिन वो अपना बुक लेकर उसके पास जाती है और वो उससे कहती है आज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने नहीं आई हूँ, तुम प्लीज़ सारा आंसर इसमें फिल कर दो। तब लूशाव ऐसा करने के लिए मना करता है। तो शिवी कहती है आज तुम आगे कर दोगे तो मैं दो दिन तक तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने नहीं आऊँगी। तब वो आंसर फिल कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं शिवी अपने डैड के साथ डिनर के लिए आई होती है, वहाँ उसके डैड के फ्रेंड भी होते हैं। तभी शिवी उनसे कहती है कल स्कूल में पीटीएम है सो आपको स्कूल आना होगा। तब डैड कहते हैं ठीक है तुम मुझे टाइम बता देना। उसके बाद वो उसे खाना सर्व करते हैं जिसमें पीनट होती है। वहीं शिवी को पीनट से एलर्जी होता है लेकिन उसके डैड ये बात हमेशा भूल जाते हैं। तब शिवी गुस्से में सारा पीनट खा लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है और वो उनसे कहती है कल कोई पीटीएम नहीं है, मैंने आपसे मजाक किया, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो एक जगह में बैठी होती है। तभी वहाँ लूशाव आता है और वो उसे देख लेता है। उसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर जाता है और वो दोनों एक स्टोर के सामने बैठे होते हैं। तब वो लूशाव से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते होंगे ना, लेकिन मेरे दर्द मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं क्योंकि जब भी बचपन में मैं और मेरी मॉम ग्रैंड मॉम के घर जाते थे तब वो हमें अच्छा नहीं समझते थे। ये सब बातें लूशा चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पीटीएम का दिन आ जाता है। वहीं उसके टीचर उससे पूछ रहे होते हैं तुम्हारे घर से कोई क्यों नहीं आया है। तभी वहाँ शीशा आता है और वो कहता है इसके डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं इसलिए मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। पीटीएम के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तब शिवी के टीचर शीशा उसे कहते हैं शिवी को कितना कम मार्क्स मिला है फिर भी आपने उसे डांटा नहीं। तब शीशा कहता है मार्क्स से ज़्यादा हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट होती है। ये सब सुन के शिवी बहुत खुश होती है और वो उससे पूछती है तुमने ये सब किससे सीखा। तब शीशा कहता है आपने ही तो ये सब सिखाया था। उसके बाद हम शिवी का एग्ज़ाम का दिन देखते हैं जहाँ वो एग्ज़ाम देती है। उसके एग्ज़ाम में जो कुछ भी लोशाव ने बताया था वही आया होता है जिससे वो बहुत खुश होती है। उसके बाद विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है, वही उनका न्यू ईयर भी आता है। नेक्स्ट सीन में शिवी को देखते हैं वो लूशाव के घर जाती है और वो लूशाव को चिल्ला कर नीचे बुलाती है और वो उसे न्यू शूज़ गिफ्ट देती है न्यू ईयर में। वहीं लूशाव गिफ्ट लेने से मना करता है। तब शिवी कहती है तुम्हें गिफ्ट लेना ही होगा, तुमने एग्ज़ाम में मेरी बहुत हेल्प की है। उसके बाद लूशाव उसका गिफ्ट ले लेता है। वहीं लूशाव उसे कुछ नोट्स देता है जो उसके कुछ भी काम के नहीं थे। उसके बाद वो दोनों फायर क्रैकर जलाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं हम शीशा को देखते हैं, वो घर में अकेला होता है। तभी उसे शिवी मैसेज करके कहती है यह बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। इतने में उसे एक गिफ्ट रिसीव होता है जो बहुत बड़ा बॉक्स होता है। वहीं शिवी मैसेज करके कहती है ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। वहीं जब वो गिफ्ट खोलता है तब उस बॉक्स से शिवी निकलती है
और वो कहती है सरप्राइज। उसके बाद वो उसे पैसे देती है न्यूरे गिफ्ट में और शीशा भी खुश होकर लेने लगता है। तब शिवी कहती है क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। तब वो झुककर ब्लेसिंग लेता है और वो अपना रेड एम्बलम ले लेता है। वहीं शिवी उसे और एक गिफ्ट देती है जो न्यू फोन होता है। वहीं छुट्टियां भी ख़त्म हो जाती है और शिवी अपना गेट देख रही होती है क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया था। इस बार वो लास्ट नहीं आई होती है, वो लास्ट लाइन से फर्स्ट लाइन में उसका नाम होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और वो कहती है इस बार मैं लास्ट नहीं आई हूँ। वही लूशा भी ये देखकर खुश हो रहा होता है और इसी के साथ ही ये पार्ट एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।